महानगर में कूड़ा निस्तारण की समस्या नगर निगम प्रशासन के गले का फांस बनता जा रहा है। कूड़ा वाहन चालकों से आए दिन स्थानीय लोग बदसलूकी और मारपीट कर रहे हैं। नगर निगम प्रशासन ने कूड़ा निस्तारण के लिए गुलहरिया थाना क्षेत्र के आसपास जगह का चयन किया था, लेकिन मंगलवार को कूड़ा गिराते समय वाहन चालक से स्थानीय लोगों ने बदसलूकी और मारपीट किया। इसको लेकर चालक काफी भयभीत हैं। वाहन चालकों ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित स्टोर रूम में कूड़े से लदा डीसीएम और ट्रैक्टर ट्राली खड़ा कर दिए। चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र पांडे ने कहा कि जब तक वाहन चालकों की सुरक्षा और कूड़े के निस्तारण की उचित व्यवस्था नगर निगम प्रशासन नहीं करता है, तब तक वाहन चालक कूड़ा नहीं उठाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सुरेंद्र पांडे ने कहा, चालक प्रचालक संघ अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार पांडे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले तो यहाँ नौसड़ बंधे पर कूड़ा गिर रहा था, अधिकारी हमारे जो आदेश देते हैं उसका पालन किया जाता है, तो यहाँ लोग ड्राइवरों को मारे पीटे। यहाँ बंद हुआ तो तारा मंडल पर हुआ, वहाँ भी बवाल किए लोग, तो वहाँ भी गाली गलौज दिए ड्राइवर को, वहाँ भी बंद हो गया। और महेश्वर आप जान ही रहे हैं कि कितना बड़ा बवाल हुआ है। केवल ड्राइवर को ये बताइए कि ड्राइवर क्या करें, कहाँ जाएँ। जहाँ अधिकारियों का हमारे निर्देश होता है वहाँ जाकर गिराते हैं, लेकिन गिराने के बाद वहाँ कोई सुरक्षा प्रदान नहीं होती है। हैं, सुरक्षा अगर रहती तो आज जैसे हमारे पुल मोहम्मद भाई हैं झुंगिया क्षेत्र में गुलरिया के बगल में, कम से कम गुलरिया से 10-12 किलोमीटर आगे झुंगिया क्षेत्र में कूड़ा गिराया जा रहा है। वहाँ रास्ता सख्त भी है लेकिन वहाँ पब्लिक विरोध की है। हमारे फूल मोहम्मद ड्राइवर जो हैं उनको पकड़ कर लोग घोंघा ढकेल दिए हैं और गाली गलौज दिए हैं। हाँ, गाली गलौज देकर वहाँ से भगा दिया गया है। तो अब अधिकारी जो हमारी जो अधिकारी यहाँ के हैं स्टोर इंचार्ज, उनको अवगत करा दिया गया है और सब गाड़ियाँ जो हैं कूड़ी लदी हुई हमारे स्टोर में आप देख ही रहे हैं सब खड़ी हैं। अब आगे की कार्रवाई देखिए, जो अगर कहीं जगह मिलती है तब तो कूड़ा गिराया जाएगा, क्योंकि अधिकारियों को ये सूचना उपलब्ध करा दिया गया है, और नहीं अगर मिल रही है तो ये लदी हुई कूड़ा वाली गाड़ियाँ जो हैं सब यहीं रहेंगी।